लिखा है वचन में, वह ऊन और सन ढूंढकर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। यानी बाइबल के समय में जो स्त्रियां हुआ करती थी वो बाहर जाके रो मटेरियल इकट्ठा नहीं करती थी, यानी ऊन वगैरह ये चीजें लेके नहीं आती थी, उनको लाके दिया जाता था फिर जाके वो उसको बनाती थी। लेकिन जो भली पत्नी होती थी वो खुद जाके रो मटेरियल भी इकट्ठा करती थी और वो बनाती थी अपने हाथों से ढूंढ ढूंढ कर क्या करती है, वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। एक भली पत्नी की ये विशेषता होती है, ये क्वालिटी। उसको काम के लिए बोलना नहीं पड़ेगा आपको, ये काम वो काम, घर में जो काम है वो अपने आप देखेगी और अपने आप करेगी। अगर बोलना पड़ रहा है तो भली पत्नी नहीं है वो। अगर उसको बोलना पड़ रहा है कि झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, कपड़े धो दो, खाना बना लो, तो भली नहीं है। भली जो होती है उसको बोलना नहीं पड़ता, आपके बोलने से पहले घर में सारी साफ सफाई कर देगी, सारे काम अपने आप कर देगी। एक भली पत्नी की यह विशेषता होती है। और बाइबल के समय में जो भली पत्नी होती थी, जिसके बारे में सुलेमान यहाँ पे बता रहा है, वो खुद जाके रॉ मटेरियल इकट्ठा करके लेके आती थी, ऊन वगैरह सन, और वो उससे बनाया करती थी कपड़ों को। ये चीज बोली जा रही है, एक भली पत्नी की विशेषता। वो इंतजार नहीं करती थी कोई लाके मुझे रॉ मटेरियल देगा फिर मैं जाके इस काम को करूंगी, नहीं, अपने हाथों से ढूंढ ढूंढ कर लाती थी और वो काम करती थी।